अगर आप लोग ने पर्सनल लोन ले रखा है और उसका आप लोग रिपेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप लोग के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, उसको आप लोग को कैसे बंद कराना। अगर आप लोग बंद करते हैं, उन लोग के कॉल को रिसीव नहीं करते हैं या फिर आप लोग सिम तोड़ देते हैं तो आप लोग के साथ ये लोग क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि आप लोग के लिए ही हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लाए हैं और आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एनबीएफसी का लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं और उनका फिर कॉल भी नहीं उठाते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर इतना ज्यादा कॉल आ रहा है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं या फिर उन लोग का कॉलिंग को बंद कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारी कंटेंट देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इसी तरह के लोन हेल्प रिगार्डिंग कंटेंट के लिए। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अगर आप लोग कॉल रिसीव नहीं करते इन लोग का तो ये लोग क्या करते हैं। ऐसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लोग को ज्यादा कॉल आ रहे हैं, एक दिन में 10 कॉल आ रहे हैं, 15 कॉल आ रहे हैं, 20 कॉल आ रहे हैं, ऐसे अगर आप लोगों को कॉल आ रहे हैं तो उनका आप लोगों को कितना रिस्पांस करना और क्या रिस्पांस करना उसके बारे में बात कर लेते हैं और कैसे इनको कम कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर आप लोग को इतना कॉल आ रहे हैं तो आप लोग को क्या करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपको 2 से 3 कॉल का रिसीव करना है। लोग बहुत बोलते हैं कि 1 कॉल को रिसीव करके बता दीजिए, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग ने 2 या 3 बार आप लोग रिस्पांस दीजिए और जितना भी रिस्पांस दीजिएगा आप लोग उसका कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और रिस्पांस ऐसे देना है जैसे वहां से कॉल आ रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है, कब कीजिएगा और जल्दी से जल्दी कीजिए, तो आप लोग को ऐसा रिस्पॉन्स करना है। बोलना है आप लोग को अपना जो प्रॉब्लम है, सर आई एम रियली रियली सॉरी, आप लोग के लिए आप लोग का रिपेमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम है। आप लोग अपने प्रॉब्लम को बताइएगा, जैसे कि मुझे अभी हेल्थ इशू है, मान लीजिए मेरा एक केस है, मुझे एक हेल्थ इशू है, मैं आपका रिपेमेंट अभी नहीं कर पा रहा हूं पर आने के फ्यूचर आने वाले टाइम पे मैं आपका रिपेमेंट कर दूंगा, इसके लिए आप मुझे वक्त दीजिए। जैसे मुझे वक्त चाहिए 4 महीने का तो मैंने बोला कि मुझे 4 महीने का वक्त दीजिए, मैं आपका जितना भी लोन का अमाउंट है उसको रिपेमेंट कर दूंगा और आप अपना पेनल्टी अमाउंट जो है उसको कम कीजिए, बंद कीजिए कि ताकि अगर जितने से जितने जल्दी अगर मैं उसको रिपेमेंट करना चाहूं तो एक ज्यादा लोन अमाउंट बढ़ ना जाए। और अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो जरूर जरूर कर दीजिए, ये आप लोग की मेहरबानी होगी। आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग अपना पेनल्टी अमाउंट कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए, मैं आपको 4 महीना के बाद पैसे एक पूरे जितने पैसे हैं सब आपको दे दूंगा। आप लोग को ऐसा बोलना है और बोलना है कि आप लोग कोई भी लीगल एक्शन वगैरह यहाँ पे ना ले, यहाँ पे हमको हरास करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जब पैसे होंगे मैं आपका रिपेमेंट कर दूंगा, आप मुझे इतना वक्त दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो बता दीजिएगा, बस इतना आप लोग को बोलना है कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके 1 बार 2 बार 3 बार मैक्सिमम 3 बार कभी भी आप लोग बता दीजिए उनको, बता दीजिए। बेहतर ये रहेगा अगर आप लोग लोन रिपेमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द उनको बता दीजिए। और आप लोग को क्या करना है, और दूसरा आप लोग ने कॉल पे तो बता दिया, आप लोग को एक ईमेल भी कर देना है या फिर एक स्पीड पोस्ट कर देना है कंपनी में, बस इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। वहीं आप लोग कॉल कम करवाने के लिए कैसे कर सकते हैं, क्या करना होगा आप लोग को, सबसे पहला स्टेप है, 2 स्टेप है यहाँ पे आप लोग को सिंपली फॉलो करना है, कोई भी आप लोग एक चीज कर सकते हैं इसमें से। पहला आप लोग जब कॉल आए तो आप लोग को क्या करना है, कॉल आए कॉल उठा लीजिए, कॉल उठा लीजिए और कॉल उठाने के बाद उस कॉल को म्यूट करके छोड़ दीजिए, कहीं पे टेबल पे, कहीं पे भी, आप बेड पे कहीं पे भी रख दीजिए और सिंपली वो लोग जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। 1 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, 3 मिनट बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। और आप लोग को अगर आप ऐसे ही करते हैं 2-4 बार 5 बार 6 बार 10 बार अगर आप लोग ऐसे ही करते हैं तो उसके बाद इन लोग का कॉल आना बंद हो जाता है, कम हो जाता, बंद तो बहुत दिन बाद होता है, कम हो जाता है अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो। दूसरा स्टेप एकदम खत्म ही करना है आपको, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, आप लोग को सिर्फ एक सेटिंग करना है अपने मोबाइल में जाकर के, और वो सेटिंग है अननोन ब्लॉक, अननोन कॉल को ब्लॉक करना। अननोन कॉल को आप लोग अगर ब्लॉक कर देते हैं तो आप लोग को तो पता चलेगा कि इनका कॉल आया पर आप लोग के पास कोई भी रिंग वगैरह नहीं होगी, आपको कोई भी उठाना या कट करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी जो भी अननोन नंबर है। तो
तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ये दो स्टेप है। अगर आप लोग सिम तोड़ देते हैं, आप लोगों का कॉल नहीं उठाते हैं, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकती, ये आप लोग जान लीजिए। आप लोगों को कोई लीगल एक्शन वगैरह कोई भी लिया नहीं जाएगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप लोग का जल्द से जल्द जैसे पेमेंट हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, जल्द से जल्द इनका रिपेमेंट करके खत्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का सिविल डाउन हो रहा है। कोई भी अगर जेन्यून डिफॉल्टर है तब तो कोई बात नहीं, अगर कोई भी इंटेंशनली अगर ये काम कर रहे हैं, जानबूझ के उनका अमाउंट नहीं दे रहे हैं, लोन अमाउंट रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि आरबीआई बेहतर से जानता है कि आप लोग के अकाउंट में पैसा है या आप लोग के पास पैसा है या नहीं है। एक बार आरबीआई, क्योंकि ये लोग एनबीएफसी एप्स या फिर बैंक जो होती है वो आरबीआई की गाइडलाइंस और आरबीआई के अंडर होती है, तो ये जान लीजिए, अगर उन लोग को पता करना हो आपके पास पैसे हैं या नहीं है, वो आराम से पता कर सकती है। तो यहाँ पे तो जो जेन्युइन डिफॉल्टर है जिनके पास पैसे सच में नहीं है, तो जान ही रही कंपनी की जिसके पास सच में पैसे नहीं है। वहीं अगर जानबूझे कोई कर रहा है तो उनको तो पता ही है कि जानबूझे कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन तुरंत ले लिया जाएगा, तो ये आप लोग जान लीजिए। अदरवाइज अगर आप लोग जेन्युइन डिफॉल्टर है, किसी के कारण कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नौकरी छूट गई, कुछ भी आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो आप लोग सिंपली बताइए एक बार कंपनी में, अगर सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनती है तो कोई बात नहीं, ज्यादातर चांस है कि सुन ले। अगर सुन ले तो आप लोग को भी अपने वादे पे खड़े उतरना है, और आपको जब आप जितना आप वक्त मांगे उस वक्त पे आपको पेमेंट कर देना है। बस यही बोलूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, या टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आकर के हमारे फॉलो कर सकते हैं, और आकर के हम लोग को डीएम कर सकते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।